नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश, आप देख रहे हैं आनक्रू। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ तिलंगा तिलेश्वरनाथ महादेव मंदिर, जो कि गोपीगंज में पड़ता है। दोस्तों यहाँ खासियत ये है कि यहाँ का जो शिवलिंग है उसको पांडव पुत्र भीम ने स्थापित किया था, जो कि पांडव काल या महाभारत काल में ही बना गया था। दोस्तों आज की वीडियो में पूरा ये दिखाना होगा, तो बिना देरी के वीडियो को लास्ट तक देखे रहिए और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कोई डाउट हो कमेंट में जरूर पूछिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब के बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार एवं कुछ ग्रामीण जो कि आसपास के लोग हैं उनके अनुसार यहाँ का जो शिवलिंग है उसको पांडव पुत्र भीम के द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि ये एक महाभारत कालीन मंदिर है, इस हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, हम यहाँ इस मंदिर पे आए हैं जो कि समय हो रहा था 3 बजे, इसलिए यहाँ पे पुजारी थे वो कहीं और गए थे, और मंदिर में थोड़ा साफ़ सफाई का कार्य चल रहा था, और मंदिर में सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरे लगाए जा रहे थे, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आपको किसी से मिला नहीं पाए, वरना हम आपको ये यहाँ पर दिखा देते कि ये उनसे बात करा देते और उनका आपसे ये बता देते, उनसे पूछते कि यहाँ का जो सच्चाई वो क्या है। और दोस्तों इस मंदिर के साथ एक और चर्चित कथा ये है कि ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आप सामने देख रहे हैं, इसको जो है ये साल में 4 बार रंग बदलता है अपना। तो इसके बारे में दोस्तों मेरी कुछ खास जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ और नहीं बोलूँगा, लेकिन ये जो इतना है इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं आप कि ये शिवलिंग की सच्चाई क्या है, इसका रहस्य क्या है और क्यों रंग बदलता है, तो आप कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं इस मंदिर का जो लोकेशन है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, और ये मंदिर है तिलंगा गाँव में, तिलंगा तिलेश्वरनाथ मंदिर से, जो कि गोपीगंज में पड़ता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।